आपका इस चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो मोबाइल ऐसे बेस्ट जो कि 20,000 के अंदर में आपको मिल जाएंगे, उनके कैमरा क्वालिटी, फीचर्स के बारे में और प्राइस के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वो दो मोबाइल के नाम है रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G और रियलमी 9 प्रो प्लस के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में 6.43 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। वही रियलमी 9 प्रो प्लस में 6.43 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। तो इसमें डिफरेंस नहीं ज़्यादा मिलेगा, कोई मतलब सेम आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आप बात कर लें रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में 90,000 का रिफ्रेश रेट मिलेगा। वहीं बात कर लें रियलमी 9 प्रो प्लस में 90,000 का रिफ्रेश मिलेगा। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में मीडियाटेक डोमेस्टिक 920 प्रोसेसर मिलेगा। वहीं रियलमी 9 प्रो प्लस में डोमेस्टिक 920 प्रोसेसर मिलेगा। मैं बात कर लूँ तो दोस्तों कि इनमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको थोड़ा प्राइस में कैमरा क्वालिटी में थोड़ा अंतर मिल सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब वहीं बात कर लेते हैं रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G की। तो दोस्तों इसमें स्टोरेज की बात कर लेते हैं, 6GB 128 दी हुई है और 8/128 आपको मिल सकती है। अब दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस में 6/128, 8/128 एंड 8/256 दी हुई है, मतलब इसमें थोड़ा सा 8/256 का डिफरेंस मिल सकता है, बाकी आपको रियलमी नार्जो 50 प्रो में 8/128 तक के सीमित है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रियल कैमरे की। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है। वही रियलमी 9 प्रो प्लस की बात की जाए तो उसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया है, जो कि रियलमी नार्जो से 2 MP ज़्यादा है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है। अब दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वही रियलमी 9 प्रो प्लस में 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया, तो ज़्यादा कंपेयर नहीं है, सिर्फ नॉर्मली है। अब दोस्तों बैटरी और रेंज चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जर को सपोर्ट कर रही है, 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। अब दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस में अब बात कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों 4500 mAh की बैटरी दी जाएगी और 60 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों इसमें दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसमें बैटरी दी गई है और इसमें 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और इसमें 60 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में इन डिस्प्ले आपको मिलेगा सेंसर, और इस रियलमी 9 प्रो प्लस में भी इन डिस्प्ले आपको मिलेगा सेंसर। अब दोस्तों कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5 ब्लैक और ब्लू में आपको कलर इसमें मिल सकता है, और रियलमी 9 प्रो प्लस में ग्रीन, ब्लैक और ब्लू कलर जैसे में आपको ये मिल सकते हैं। अब दोस्तों इनकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी दोनों प्राइस में आप लोग प्रोसेसर देख लिया, आप इनमें प्राइस में कितना अंतर मिल सकता है। दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G की स्टार्टिंग जो प्राइस है 21,999 रखी गई है। वहीं बात करें रियलमी 9 प्रो प्लस की, तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई 24,999 रखी गई, करीब 2 से 3 हज़ार के डिफरेंस के तौर पर रखी गई। तो दोस्तों ये दोनों में कंपेयर आपने देख लिया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्राइस में आपको अप डाउन दिखेगा और कैमरा क्वालिटी भी कोई थी अप डाउन नहीं है। तो ये सारी आपने देख लियो कि दोस्तों ये दोनों गेमिंग प्रोसेसर है, उनका बैटरी बैकअप भी सही है और कैमरा क्वालिटी भी शानदार है। तो दोस्तों इनकी दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेस या एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इसमें आपको नई चीज़ देखने को मिली हो, दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट ब्लॉग के लिए लाते रहूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।